अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ बहनों, ये विधवा धर्म का पालन नहीं कर रही है। बोलो कहाँ सजा मिलना चाहिए इसको? राश्चेत। तो फिर हो गया फैसला, ले चलो इसको प्रायश्चित के लिए। मामी, मामी कुछ बोलिए ना। समझे बड़ी माँ? जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। विधवा धर्म का पालन नहीं कर रही है। बोलो कहाँ सजा मिलना चाहिए इसको? राश्चेत। नहीं अंशुमन जी, बार बार कोई आपका अपमान करे हमसे सहा नहीं जाएगा। आप मत आइए। और वैसे भी हालात का सामना करना हमने सीख लिया। अगर हर बार आप हमें सहारा देने आ गए तो हम कमजोर पड़ जाएंगे अंशुमन जी। क्या आप हमें कमजोर पड़ते देख सकते हैं? गौ सेवा, यही है तुम्हारा प्रायश्चित। अब यही है तुम्हारा जिंदगी। और इस लड़की से विधवा धर्म का पालन करवाना आपका जिम्मेदारी है समधन जी। जरा सा भी कोई त्रुटि हुआ ना तो इससे भी बड़ा सजा मिलेगा इसको भी और आपको भी। बड़ी माँ, मामी, कोई हमें बताएगा हमारी गलती क्या है? प्रायश्चित के नाम पे किस बात की सजा मिल रही है हमें? कोई बताएगा? मामी बताइए ना, किस बात की सजा ये? तुम्हारा भाग्य तुम्हारा दोष है, तुम्हारा विधवा होना तुम्हारा दोष है, और यही तुम्हारा गलती भी। और ये गलती सिर्फ इस जन्म का नहीं, जाने कितने जन्मों का गलती है ये। और इसी बात का तुमको सजा मिल रहा है, और इस सजा को काटना तुम्हारा भाग्य है। मामी, हम इंसान भी कभी कभी इतने विवश क्यों हो जाते हैं?
क्यों समझ में नहीं आता, सामाजिक मर्यादाएं हमारी बेड़ियां क्यों बन जाती हैं? क्यों खाना जी, क्यों ऐसा होता है? सुरभि जी, हालात के आगे हम सभी लोग विवश हो जाते हैं। यही देख लीजिए, हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि भाभी सुमन के साथ क्या करने वाली। लेकिन ये जरूर जानते हैं कि अब इसे बवंडर होने से केवल केवल आप रोक सकती हैं। सुरभि जी, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा, अंशुमन को इस बात का कभी पता न चले कि सुमन के साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है सुमन के साथ? पापा, क्या हुआ सुमन के साथ? नहीं, कुछ भी तो नहीं बेटा। बस हम तो बेटा तुम्हें लेकर चिंतित थे। कल रात को तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी ना, और आज सवेरे भी बिना बताए चले गए तुम। बस हम चिंतित थे। कैसे बेटा? आप दोनों बात बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? माँ, मैं जानता हूं आप भी मुझे कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे यह भी पता है कि मुझे मेरा जवाब कहां से मिलेगा। अंशुमन, 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 सुनो बेटा, सुनो मेरी बात, सुनो बेटा। अंशुमन, अपना कदम पीछे खींच लो बड़के बहुआ, उसी में परिवार का भलाई है। सुमन कहाँ है बड़ी माँ? सुमन के करीब तो जाना मत बड़के बहुआ, तुम तो जलोगे ही, पूरे खानदान का परंपरा भी जल के खाक हो जाएगा। जलकर खाक हो जानी चाहिए ऐसी परंपराएं, जो एक इंसान को इंसान की तरह जीने की अनुमति नहीं देती, जो जीते जी किसी की जिंदगी को नर्क बना दे, ऐसी परंपराओं को जलकर खाक हो जाना चाहिए। अंशुमन, तुम क्या बोल रहे हो पता भी है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ दादाजी, हो क्या गया आप सब लोगों को? परंपरा के नाम पर एक निर्दोष प्रज्यूम करने की सारी सीमा पार कर दी आप लोगों। सीमा तुम लांग रहे हो, क्या जरूरत है उस लड़की की जिंदगी में जबरदस्ती घुसने की? वो तो अपने भाग्य का भोग रही है ना। भाग्य? बड़ी माँ, इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है। वो अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहती है, और आप लोग उसे उस दलदल में घसीट रहे हैं जो परंपराओं के नाम पे पाबंदियों का ढकोसला है। अंशुमन, परंपरा ढकोसला नहीं है, परंपरा जिंदगी जीने का सलीका सिखाती है। तो आप ही बताइए ना दादाजी, कौन सा सलीका है जिससे किसी की जिंदगी कैद बन जाए? किसी एक के चले जाने से दूसरे की जिंदगी को बद से बदतर बना दिया जाए? और क्यों सारे नियम सिर्फ एक लड़की पर लागू होते हैं? क्यों सारा जोर सिर्फ उसी पे चलता है? क्योंकि पुरुष का कदम बहकता है तो केवल पुरुष खराब होता है, औरत का कदम बहकता है तो पूरा खानदान का, पूरा परिवार का नाश होता है। और ऐसा नाश ना हो इसलिए कैद होना जरूरी है। अब यही जिंदगी है उसका, कैद में रहने का। नंदन का विधवा है ना वो, तो यही भाग है उसका। तुम तो ये सोचो कि तुम क्या कर रहे हो अंशुमन बहुआ। मैं अपने छोटे भाई से किए हुए वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।